बच्चों, हम लोग बिहाई बुक से स्टडी कर रहे हैं। दो पोयम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरी पोयम पढ़ेंगे, रेन ऑन द रूफ। अगर दो पोयम आपने नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, क्लास 9th की आपको मिल जाएगी, ठीक है? उसको भी पढ़ लें। तीसरी पोयम आज पढ़ते हैं, रेन ऑन द रूफ। पोइट्स है कोट्स की, ये जो है लॉयर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है? रेन ऑन द रूफ, रूफ छत, और रेन बारिश। आजकल सीजन भी चल रहा है बारिश का, है ना? तो क्या होता है, जैसे हम भले ही अपने घर के अंदर हैं, अगर हम कमरे में भी हैं, तो अगर छत हमारी जो है जैसे टीन की है, तो जो बारिश की बूंदें उसमें पड़ती हैं, तो आवाज आती है टप 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 की, ठीक है ना? तो रेन ऑन द रूफ। तो कवि जो है, पोएट, हम जो है इसमें हमें इस पोयम में हम ये बता रहे हैं, अपनी जो है यादों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है? पुरानी यादें जो उन्हें आ रही हैं, ठीक है ना? तो उन अपनी यादों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ठीक है ना? हमसे शेयर कर रहे हैं, ठीक? और जैसा कि टाइटल से पता ही है, रेन ऑन द रूफ, समझ गए, है ना? तो वी कैन मेक आउट दैट द पोयम इज अबाउट द रेन। ये जो पोयम है, कविता है, रेन के बारे में है। द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। पास्ट मतलब पुरानी, अतीत की, भूत की जो यादें, स्वीट मेमोरीज, यादें कैसी अच्छी, ठीक है ना? वेन द ह्यूमिड शेडोज होवर ओवर ऑल द स्पेयर्स एंड द मेलंकोलिक डार्कनेस जेंटल जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। क्या कहते हैं, ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड शेडो कहते हैं क्लाउड्स को, बादलों को, जो देखा होगा जब घने बादल छा जाते हैं ना, क्लाउड्स यहां से वहां मूविंग करते हुए दिखाई देते हैं ना, ठीक है? होवर, होवर कहते हैं मंडराने को, ठीक है ना? और ह्यूमिड, ह्यूमिड मॉइस्चर, नमी, है ना? ह्यूमिड शेडोज बादल, और होवर कहते हैं मूव करना यहां वहां पंडराने को। स्टेरी स्पेयर्स कहते हैं स्काई को, आकाश, ठीक है? मेलेंकली, मेलेंकली मतलब उदास, सैडनेस, ठीक है ना? उदासी को जेंटली कहते हैं सॉफ्टली, मतलब धीरे धीरे। ब्लिस कहते हैं ग्रेट जॉय, आनंद को। ओवरहेड, सिर के ऊपर, ठीक? तो वो कह, अब देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए हो, ठीक, और अंधकार, मतलब उदासी में उन्होंने बताया है, जब एकदम अंधेरा छा जाता, जब बादल छाए हुए होते हैं तो एकदम अंधेरा अंधेरा सा नहीं हो जाता, तो गहरा उदास अंधकार रेन के रूप में, बारिश के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे, मतलब रोता हो, ठीक है ना? कुटिया मतलब कुटिया मीन्स घर, घर के कमरे में जो बिस्तर लगा होता है ना, तो तकिए को सिर से दबाना और लेटे हुए अपने सिर के ऊपर छत पर जो है कोमल वर्षा की जो है टप टपाहट सुनना कितना आनंद देता है, कितना प्लेजर देता है, ये कह रहे हैं कवि, ठीक है ना? तकिए से सिर को दबाकर आराम से अपने बिस्तर पर, जब अपने रूम में जब लेट करके, और जब बारिश की बूंदें टप 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 सुनाई देती हैं, तो कितना आनंद आता है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ
एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. क्या कहते हैं यहाँ पर, यहाँ का भी कहते हैं टिंकल टिंकल, कहते हैं टप टप की आवाज को, टन टन जो आवाज आती है, ठीक है. और शिंगल्स कहते हैं जो छत पर लकड़ी के चौकोर चौकोर जो टाइल टाइप के जो टुकड़े लगे रहते हैं, ठीक है ना, टाइलें लगी रहती है चौकोर लकड़ी की, इको कहते हैं प्रतिध्वनि को, गूंज को, एक जो साउंड, एक जो ध्वनि होती है, साउंड होती है ना, और जो उसकी प्रतिध्वनि होती है, दैट इज कॉल्ड इको, ठीक है, आवाज की गूंज, ठीक. फैंसी कहते हैं कल्पनाओं को, ठीक. और रिकलेक्शंस, मेमोरीज, यादें, स्मृतियां. वूफ कहते हैं ताने बाने बुनने को, यादों का ताना बाना बुना, ठीक. तो छत पर लगी हुई जो लकड़ी के चौकोर चौकोर टाइलों पर जब वर्षा की बूंदों की टप टप आवाज जो है हृदय में, दिल में सुनाई देती है, ठीक है ना. जैसे ही मैं छत पर, कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही मैं जो है छत पर टप टप की आवाज, रेन ड्रॉप्स की आवाज जो है सुनता हूं, तो मेरे मस्तिष्क में हजारों तरह की जो है कल्पनाएं, स्मृतियां शुरू हो जाती हैं, यादें आना शुरू हो जाती हैं, और हजारों स्मृतियां जो है मतलब उनका वेग इतना तेज होता है वायु की तरह, हवा बहुत तेजी से होती ना, तो एक के बाद एक मतलब ताने बाने बुनने बुनती है, मतलब इतनी स्मृतियां, यादें एक के बाद एक मतलब सिलसिला चालू रहता है. जब यादें आती हैं, फिर क्या होगा, आप लोगों ने भी सबके साथ ऐसा होता है, जब यादें आती हैं, अच्छी हो यादें या खराब हो, कैसे भी हो, लेकिन फिर आती ही जाती हैं, ठीक है ना. वो ऐसा ही कवि के साथ जो है स्वीट मेमोरीज पास्ट की, ठीक. तो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डाउन. ओ आई फील हर फॉन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. अगोन, अगोन कहते हैं पास्ट, बीता हुआ, ठीक है. एयर कहते हैं बिफोर, पहले, ठीक. और डाउन कहते हैं सुबह का समय, उषा काल, प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है. तो कवि कहते हैं कि अब मुझे मेरी माँ की याद आती है, ठीक है ना. नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, मुझे मेरी माँ की याद आती है. ऐसी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, मतलब विगत वर्षों में, ठीक है ना, वह मेरे प्रिय सपनों में आया करती थी. जो बहुत अजीज लोग होते हैं अपने, है ना, सपनों में आते हैं, जो बहुत प्यारे होते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं वास्तव में, ठीक है ना. तो वो कवि कहते हैं कि वह मेरे अच्छे सपनों में आया करती थी, और मुझे सुबह के समय प्रातः काल, ठीक है, छोड़कर चली जाती थी, मतलब रात को मेरे पास आती थी, मेरी यादों में आती थी, मेरे मीठे सपनों में आती थी, और सुबह जैसे ही होती थी ब्रह्म मुहूर्त में मुझे छोड़कर चली जाती थी, ठीक है. और जैसे मैं वर्षा की आवाज, जो छत की टाइलों पर वर्षा की टप टपाहट, टप 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 से जो पैदा हो रही है जो आवाज होती है, उसे मैं सुनता हूं, तो मुझे फील होता है, मुझे अनुभव होता है कि मेरी माँ अपनी स्नेहमयी निगाहों से, स्नेहमयी दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से मुझे देख रही है, ठीक. तो ये थी पोयम रेन ऑन द रूफ. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है. इसके पहले की अगर दो पोयम नहीं देखी है आपने, तो प्लेलिस्ट पर जाएं और वो दो पोयम पढ़ लें, और ये वाली पोयम भी पढ़ लें, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं. तब तक टेक केयर.